आपको लेकर चलते हैं, ये पब्लिक है सब जानती है के सेट पर, और जानते हैं वहां आज हमारे लिए विजय विश्वकर्मा क्या खास लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है, इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं रीवा जिले की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आई है। पिछले चुनाव में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का यहां पर असर देखने को मिला, आगामी चुनाव में भी वो फिर एक बार पूरी ताकत के साथ रणनीति बनाकर उतरने वाली है। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके पहले हम आपको परिचय कराते हैं, हमारे साथ न्यूज एडिटर जावेद अंसारी जी हैं, साथ ही हमारे साथ करंट अफेयर एडिटर अनिल त्रिपाठी जी हैं। नमस्कार। आप दोनों के साथ हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। इससे पहले हम जान लें रीवा जिले की क्या पृष्ठभूमि है, बहुजन समाज पार्टी का क्या असर है यहाँ पर। अनिल जी, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का कितना असर है यहाँ? जी विजय जी, आपने सही बोला, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर काफी असरदार पार्टी के रूप में उभर कर आई थी, अभी भी है और उसका प्रभाव अभी काफी बना हुआ है। हम शुरुआत पृष्ठभूमि पर अगर जाएंगे तो वर्ष 1989 में सबसे पहले यहाँ पर जयकरण साकेत देव तालाब विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विंध्य क्षेत्र की पहली सीट बसपा के खाते में गई थी। फिर उसके बाद तो लगातार बसपा ने अपनी पृष्ठभूमि को और बढ़ाया था। मसलन 1993 में तो तीन विधायक इनके हो गए, जयकरण साकेत जी हो गए, मोगल से आई एम पी वर्मा हो गए और गोल से बुद्ध सेन पटेल जी हुए। फिर वहां पे उपचुनाव हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव खत्म नहीं हुआ और विद्यावती पटेल उपचुनाव में निर्वाचित हो गई थी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का तेजी से जिस तरह से जनाधार बढ़ा, लेकिन बीच में ब्रेकअप भी हुआ। और अभी 2013 की अगर बात करें तो रीवा जिले में केवल एक सीट उनके पास है, शीला त्यागी की, और कई जगह तो वो निर्णायक स्थिति पर थे, कांग्रेस को हरवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन जनाधार अभी है उनका। बिल्कुल, जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में जनाधार रहा, बसपा को लगातार यहाँ पर आम जन समर्थन मिलता रहा, हम आपको बताना चाहेंगे कि रीवा जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट थी जब बहुजन समाज पार्टी पहली बार यहां से जीत कर आई, उस दौर में मायावती खुद चुनाव हार गई थी, जबकि रीवा जिले से बसपा का विधायक चुना गया, सांसद भी चुना गया। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो टिकट की घोषणा बहुजन समाज पार्टी ने की है, सबसे पहले हम बात करते हैं गुड़ विधानसभा की, साथ ही मऊगंज विधानसभा की, सिमरिया और सिरमौर में क्या असर रहेगा, किन प्रत्याशियों को पहले बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मौका दे रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर लगभग 5 सीटें घोषित कर दी। जी जी, 5 सीटें घोषित कर दी। मैं आपको बता दूं, विंध्य में बहुजन का प्रभाव है, यहाँ पर तीसरी पार्टी या थर्ड फ्रंट का अगर अपन बात करें तो उसका प्रभाव नहीं है। यहाँ पर तीसरी फ्रंट के रूप में अगर आप देखिए तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी का ही नाम आता है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का पहला सांसद भी रीवा से ही था। इसका सीधा सा मतलब है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने की स्थिति में हैं। देखिए, मनगवा से उनका आज भी विधायक वहां पर मौजूद है, जिसको उनने फिर से टिकट दिया है। पंकज सिंह पिछला चुनाव बहुत कम वोटों से हारे थे, उनको वहां उन्हें सिमरिया से वापस टिकट दिया है। निश्चित रूप से वहां पर देखिए, मैं आपसे, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि विंध्य की राजनीति में अंत अंत में यहाँ पर जातिगत समीकरणों का भी काफी असर होता है। जी बिल्कुल, रीवा जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट जहाँ पर बहुजन ने लगातार परचम लहराया और दो बार वहाँ पर आईएमपी वर्मा विधायक रहे, ऐसी सीट है मऊगंज। मऊगंज में अभी हाल ही में जो बसपा ने टिकट की घोषणा की है उस पे छत्री प्रत्याशी को मैदान पर उतारा है। आप सही बोल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग को भी महत्व दिया है जी। और इस बार उन्होंने वहां से मृगेंद्र सिंह, जो क्षत्रिय खेमे से आते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस का विधायक जो है क्षत्रिय वर्ग से है, सुखेंद्र सिंह बन्ना वहां के विधायक हैं और सुखेंद्र सिंह बन्ना को घेरने के लिए मृगेंद्र सिंह मैदान पर उतर आए हैं। लेकिन अब स्थिति, भाजपा किसको टिकट देती है उसके बाद स्थितियां समझ में आएंगी कि क्या होगा।
लेकिन बसपा ने ये तो तय कर दिया है कि मऊगंज में वो भाजपा और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए खाई जरूर हो गई है। जी बिल्कुल जावेद जी, एक यहाँ बन्ना सुखेन सिंह बन्ना जो वर्तमान में वहाँ के विधायक है, दूसरी तरफ मृगेन सिंह, दोनों छत्री, ऐसे में क्या रुझान होगा वहाँ का? देखिए दो छत्री, और ये भी तय है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े लक्ष्मण तिवारी इस बार समर समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। एक ब्राह्मण मतदाता वोटर वहां पर कैंडिडेट भी आ गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के अपना वहां पर प्रत्याशी उतारेगी। और एक मजेदार बात यहां पर यह भी है कि देवतलाब मऊगंज और देवतलाब अगर वहां से भी छत्री बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार है। जी बिल्कुल, देवतला विधानसभा सीट से सीमा जयवीर सिंह को बीजेपी माफ करिएगा बीएसपी ने वहां पर मैदान में उतारा है, जबकि सीमा सिंह वहां पर जनपद सदस्य थी और लगातार वो राजनीति में सक्रिय हुई। उसके पहले वो दूसरी पार्टियों में भी संपर्क कर रही थी, लेकिन बहुजन ने सबसे पहले उन पर दांव लगाया और उनको मैदान में उतारा। क्या उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि सीमा सिंह की? जी आप सही बोल रहे हैं विजय जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देवतलाव में सीमा जयवीर सिंह लगातार सक्रिय हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं, देवतलाव विधानसभा क्षेत्र पहले बीएसपी का गढ़ माना जाता था, जयकरण साकेत वहां से तीन बार बसपा के विधायक रहे, लेकिन इस बार सीमा जयवीर सिंह जी जब वहां पर आ गई हैं तो बसपा को अपने ही लोगों से खतरा है विजय जी। जी बिल्कुल, क्योंकि विद्यावधि पिछला चुनाव लड़ी थी और काफी कम वोटों से, काफी कम अंतर से हारी थी। अनिल जी मैं आपको बता दूं कि इस बार की भी काफी प्रबल संभावना है कि विद्यावधि पटेल कांग्रेस के टिकट से देवतलाब से भी उतर सकती हैं। कांग्रेस को भी एक मजबूत प्रत्याशी की वहां पर जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे पास जो खबर है कांग्रेस से वो प्रयासरत तो हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलती तो भी वो चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं, और जो उनके समर्थक हैं दबाव डाल रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, इससे बसपा को तो घाटा हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से विद्यापति पटेल ने बीजेपी माफ करिएगा बहुजन समाज पार्टी से दामन छोड़ दिया है और वो लगातार उसके विरोध में है, ऐसे में संभावना जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी उन पर दांव लगा सकती है। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट जो कि मनगवा है, मनगवा आरक्षित है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए वो रामबाण का काम करती है और वहां पर वो फिर चाहेंगे कि उनका परचम लहराए। बीच में विजय जी आपको रोकना चाहूंगा, विद्यावती जी अभी भी आसान्वित हैं, अभी पार्टी नहीं छोड़ा है, अभी वो बसपा पर दबाव बना रही हैं कि हमें टिकट दी जाए, चूंकि वो गोल से विधायक रही हैं तो उन्होंने अपना दांव चलाया, इसीलिए गोल की टिकट जो है अभी फाइनल नहीं की गई है। ऐसा हो सकता है कि उन्हें गोल शिफ्ट किया जाए, ऐसा चल रहा है, लेकिन अगर गोल से टिकट नहीं मिलती उनको, देवतलाब में तो घोषित हो चुकी है, तब वो छोड़ने की संभावनाएं बन सकती। बिल्कुल अनिल जी आप बिल्कुल इस बात से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि विद्यावती पटेल जी ने अपना पूरा मन बना लिया है, वो चुनाव लड़ेंगी, अब चुनाव कहाँ से लड़ेंगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। मनगवा विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट जहाँ पर से हमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज नेता जो प्रदेश में परचम लहराए और उनका नाम पूरे देश में जाना गया, ऐसी विधानसभा सीट मनगवा है, वहां पर वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की शीला त्यागी विधायक है। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी वहां पर किस तरह का असर डालेगी? देखिए शीला जी पिछले 5 साल विधायक रही, लेकिन क्षेत्र में वो जनाधार और अपने समर्थन में लोगों को जोड़ पाने में असफल सी साबित हुई है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस बार उनकी क्या स्थिति रहेगी तो वक्त बताएगा। लेकिन मनगवा से केवल और केवल एक ही नाम आया है शीला त्यागी जी का, और फाइनली तौर पे वही चुनाव लड़ेंगी। जी बिल्कुल, वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बताएंगे सिरमौर में कैसा है बहुजन समाज पार्टी का जनाधार। ब्रेक के बाद फिर दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम बहुजन समाज पार्टी की यहाँ की जो पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा कर रहे थे। फिर एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि रीवा जिले की कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा और वो तीसरे मोर्चे पर यहाँ पर उभर कर सामने आई और उसने कांग्रेस को हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी का नतीजा ये था कि बीजेपी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे पर गई और
माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पर काबिज हो सकी। क्या लगता है सिरमौर में जिस तरह के हालात हैं और राम गरीब वनवासी को जो पूर्व विधायक थे चौथर के उनको वहां पर टिकट दी गई? जी विजय जी आप सही बोल रहे हैं, सिरमौर विधानसभा 2008 के चुनावों में काफी चर्चाओं में रही, जब पंडित श्रीनिवास तिवारी जो अपने मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे वो चुनाव लड़ पाए थे और बसपा ने वहां से सोशल इंजीनियरिंग के तहत राजकुमार उर्मलिया को अपना प्रत्याशी बनाया और अंत में राजकुमार उर्मलिया 264 वोटों से जीते थे। तो ये प्रतीत हुआ कि सिरमौर विधानसभा की जनता ने बसपा को अपना लिया है, क्योंकि दोनों ब्राह्मण थे और ब्राह्मण वर्ग से राजकुमार उर्मलिया को बसपा ने टिकट दे दिया था और दिग्गज नेता को उन्होंने हराया। देखिए अनिल जी, मैं आपको यहाँ पर टोकूंगा, कितनी मजेदार बात है, इस विंध्य रीजन के सबसे कद्दावर नेता को हराने वाले को इस बार बहुजन समाज पार्टी ने टिकट नहीं दी। जी इसका सीधा सा अर्थ है ब्राह्मण मतदाता को अब बहुजन समाज पार्टी की बची हुई सीटों पर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसका खामियाजा उसको सोशल इंजीनियरिंग की बातचीत है निश्चित रूप से असर होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से अभी सिरमौर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर आदिवासी नेता राम गरीब वनवासी को टिकट दी है, सोशल इंजीनियरिंग वहां पर उन्होंने नहीं इस्तेमाल की और ऐसे में कांग्रेस पार्टी, अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रत्याशी पर दांव लगाती है जो स्थिति पर रुख बदल सके। मैं एक मिनट जरूर बोलना चाहूंगा, राजकुमार उर्मलिया ने टिकट ना मिलने के बाद नाराजगी जताई थी और उस नाराजगी का प्रभाव ये पड़ा कि जो पूरे आठों विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण लीडर थे बीएसपी में, उन्होंने भी कन्नी काट ली है बसपा से, तो इसका जो प्रभाव होगा वो पूरे क्षेत्र में होगा, आठों विधानसभा में होगा। तो हो सकता है रीमा या कहीं से एक ब्राह्मण कैंडिडेट को फिर से मौका दिया जाए, लेकिन सिरमौर में जो तराई का इलाका है वहाँ आदिवासी बाहुल्य है, तो आदिवासी बाहुल्य इलाकों को देखते हुए बसपा ने अपना दांव राम गरीब वनवासी पर चलाया है। जी बिल्कुल, राम गरीब वनवासी पूर्व में तौथर के विधायक, जी वहाँ पर बीजेपी का वर्तमान में कब्जा है, जबकि तौथर से राम गरीब को सिरमौर शिफ्ट किया गया है। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी ने तौथर में अपने प्रत्याशियों को किस तरह से मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है, क्या लगता है कि तौथर में किसका बोलबाला होगा बहुजन समाज पार्टी? देखिए मैं आपको बता दूं, अब तौथर सीट अभी जैसे अभी बातचीत अनिल जी कह रहे थे, एक ब्राह्मण कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो रीवा भी हो सकता है व तौथर भी हो सकता है। हालांकि वहां पर ये माना जा रहा है कि मांझी जो जिला पंचायत गीता मांझी जो अध्यक्ष हुआ करती थी, जिन्हें और भारतीय जनता पार्टी जिन्हें कुछ पहले छोड़ी थी, बीएसपी वहां से उनको लड़ा सकती है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से कंफर्म टिकट नहीं है, वो उस टिकट में भी बदलाव हो सकता है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम आपको बताएंगे रीवा विधानसभा में क्या है बहुजन समाज पार्टी का हाल। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रीवा विधानसभा, रीवा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर बहुजन समाज पार्टी का कभी जनाधार देखने को नहीं मिला, लगभग 20,000 वोटों से ऊपर वह कभी नहीं जा पाए। इस बार भी यहां पर जैसा कि भाजपा ने अपना कद्दावर नेता राजन शुक्ल के रूप में प्रत्याशी घोषित करके रखा है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उनको घेरने के लिए कैसे प्रत्याशी को यहां पर उतारें। जी विजय जी, यहां पर पिछले 3 चुनावों से राजन शुक्ल लगातार जीत रहे हैं। 2003 के चुनाव में बसपा की पोजीशन काफी डावाडोल रही, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी सी स्थिति सुधारा है और 2013 में 23,000 वोट पाकर के गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। इस बार भी अब देखिए किसको, अभी तो टिकट डिसाइड नहीं हुई और नाम केवल नाम 3-4 नाम आ रहे हैं, जिसमें पूर्व प्रत्याशी के गुप्ता खुद भी हैं। एक अल्पसंख्यक वर्ग से भी नाम दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक किसी भी आठों विधानसभा में किसी भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर जो नाम है तो किसी भी अल्पसंख्यक को फिर से मौका मिल सकता है। जी बिल्कुल जावेद जी, यहाँ के गुप्ता जो पूर्व प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के, दूसरी तरफ एक नया उभरता हुआ चेहरा सामने आ रहा है कासिम खान के रूप में, क्या लगता है कि कासिम खान प्रभाव डालेंगे या फिर के गुप्ता? देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है,
बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो वोटों का मार्जिन है, वोटों का मार्जिन इतना ज्यादा है कि दोनों कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के वोट अगर मिला दिए जाएं, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों से कम है। इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी की रीवा की टिकट, बाकी जो 6-7 विधानसभा हैं रीवा से लगी हुई, उनको दिमाग में रखते हुए उन क्षेत्रों पे उन वर्गों के वोट के हिसाब से वहां पर रीवा में अपना प्रत्याशी वो तय करेंगे। बात करी जाए अगर सिमरिया विधानसभा सीट की, सिमरिया विधानसभा परिसीमन के बाद रीवा जिले की 8वीं विधानसभा के रूप में उभर कर सामने आई, जहां पर भाजपा का लगातार 2 बार कब्जा रहा। ऐसे में वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने दोनों बार पटेल वर्ग से अपना प्रत्याशी उतारा और वो दूसरे स्थान पर काबिज हो सके। इस बार फिर अभी जो है प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और पंकज पटेल पर संभावना जाहिर की जा रही कि पंकज पटेल पुनः प्रत्याशी होंगे। पंकज सिंह पटेल को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो पूर्व सांसद देवराज सिंह के सगे रिश्तेदार भतीजे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि वहाँ पर कांग्रेस से जीतते रहे राजमणि पटेल, तो पटेल बाहुल्य इलाका होने के कारण पंकज सिंह पटेल को एक तरफा टिकट दिया गया है। बाकी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक पटेल उम्मीदवार दिए नहीं गए, तो पटेलों के वोट साधने के लिए एक टिकट पंकज सिंह पटेल को दे दी गई है। क्या लगता है पंकज सिंह पटेल वहां पर प्रभाव डाल सकेंगे, जबकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ खड़ी है, ऐसे में पटेल मतदाताओं का क्या असर होगा? बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं, पंकज सिंह का, देवराज सिंह का उस इलाके में काफी प्रभाव है और बहुजन समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट कोई भी रहो 30,000 के आसपास उनको हमेशा वहां से वोट मिलते रहे हैं। बहुत कम मार्जिन से ही वहां पर चुनाव में हार जीत होती रही है। मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि पिछले परिसीमन के बाद से लगातार अभय मिश्रा और उनकी पत्नी ही वहां से चुनाव जीती हैं और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी इस बार किस प्रत्याशी को उतारती उसके हिसाब से तय हो पाएगा कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होता है कि वहां पर स्थितियां के, लेकिन पंकज सिंह को नकारा नहीं, नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको ले चलते हैं स्टूडियो, जहाँ हरीश कांत जी से हमारे न्यूज एडिटर चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं क्या रही खास चर्चा। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं हरीश कांत त्रिपाठी जी, आप प्रदेश कार्य समिति के, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के संबल जन कल्याण योजना के सदस्य हैं। आप 2 बार से जनपद क्षेत्र अमरपाटन के जनपद सदस्य हैं। हम आज उनसे बिंद के ताज़ा राजनीतिक हालात पर बातचीत करते हैं। त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है बिंद में भाजपा का क्या प्रभाव होगा? भाजपा का प्रभाव, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पैदा होने से मृत्यु तक की जब योजनाएं चला रही हैं, इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही लोगों के प्रति उत्साह है और उस उत्साह के कारण, क्योंकि पिछले बार हम लोग 142 सीट पर थे, इस बार हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व का ये नारा है कि इस बार हम 200 पार करें, इसलिए बड़ी तैयारियों से हम हमारी पार्टी। आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी 200 पार करेगी? जी, लेकिन जो राजनीतिक हालात हैं यहाँ पर जी, उसको देखकर, जैसे अभी विंध में राहुल गांधी का दौरा हुआ जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं जी, उसके बाद प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं जी, आज की तारीख में यहाँ पर कांग्रेस का काफी प्रभाव दिख रहा है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस का बिल्कुल प्रभाव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी आए थे, चूँकि वो राष्ट्रीय नेता हैं, तो ऐसा नहीं, उनको जो देखने लोग आती है वो बहुत लोग सिर्फ देखने भी आते हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग आए वो सिर्फ कांग्रेस को वोट ही देने वाले लोग हैं, वो तो सिर्फ एक राष्ट्रीय, जब कोई बड़ा नेता आता है तो आम जनता को एक देखने का भी उत्साह होता है, इसकी वो भीड़ थी। और कांग्रेस का कहीं कोई वर्चस्व नहीं हमारे प्रदेश में। भाजपा की इस बार 30 की 300 सीट भाजपा निकलेगी, इसी तैयारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी 15 तारीख को रीवा और सतना। लेकिन त्रिपाठी जी जी,
पिछले चुनाव के बाद से लगातार यहाँ पर स्थितियाँ बदली हैं। अभी आपने देखा होगा आपकी पार्टी के दो बड़े नेता हैं, हालांकि वो पति पत्नी हैं, जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा जी, उनकी पत्नी जो सिमरिया से विधायक है, उनने टिकट के चुनाव लड़ने से मना किया। आपको क्या लगता है अभय मिश्रा का यहाँ पर कुछ असर? अभय मिश्रा का कोई प्रभाव नहीं है और वो तो पार्टी का आना जाना बना रहता है। जब इस पार्टी में थे अब उनको लगा होगा जनाधार वो तो उधर कांग्रेस की ओर चले गए, वो तो अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर आते जाते हैं। चलिए हम आपसे आपके क्षेत्र की बात करते हैं जी। आपके क्षेत्र में विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह का काफ़ी प्रभाव है, वो वहाँ से कभी चुनाव जीतते कभी हारते रहे, ज़्यादातर उनके परिवार का ही वहाँ पर प्रभाव रहा है। आप उस क्षेत्र से जनपद सदस्य, आपको क्या लगता है इस बार राजेंद्र सिंह के मुकाबले आप खुद हालांकि टिकट मांग रहे हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या होगी आपकी रणनीति? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश और प्रदेश में है, लेकिन हमारे अमरपाटन विधानसभा में कांग्रेस का विधायक होने के नाते, क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक हैं, जितनी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है वो पूरी योजना का सिर्फ नाम लोगों के पास अपना वाहवाही बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये जनता अच्छी तरह से जानती है कि जब लगातार 40 साल से राज कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की यहाँ योजना और किसी भी प्रकार का फैक्ट्री आदि का इंतजाम नहीं किए, क्योंकि बेरोजगारी अमरपाटन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ किन कारणों पर पिछले बार वो जीत गए, लेकिन इस बार का जो हमारी क्षेत्र की जनता का रुझान है वो सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोगों का रुझान है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, ये हमारी क्षेत्र की आम जनता की पुकार है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या रणनीति होगी आपकी राजेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की? हमें यदि पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है तो मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि अमरपाटन की जनता पूर्ण रूप से खुशहाल होगी और किसी प्रकार का रोजगार का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का नौजवान बाहर पलायन करता है और अपना पेट चलाता, तो मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि अमरपाटन विधानसभा में, चूँकि 40 साल से कांग्रेस का विधायक है, वो पहले उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, चाहते तो कोई उद्योग लगाते तो कुछ हमारे अमरपाटन के क्षेत्र की जनता का लाभ होता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यदि जनता और पार्टी आशीर्वाद देती है तो रोजगार का पहला हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारा बेरोजगार बाहर पलायन करने न जाए, यहीं अपने क्षेत्र में रहकर अपना पालन पोषण करे और भारतीय जनता पार्टी का के योजनाओं का लाभ ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है। आज पूरे देश और प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, और ये इसमें प्रजातंत्र का पूरा पालन होता है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता है। कांग्रेस पार्टी राजेंद्र सिंह के खिलाफ कोई आवेदन देने के लिए नहीं दे सकता, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चाहे वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और टिकट मांग सकता है। ये थे हमारे साथ हरीश कांत त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर से मानना है कि अगर उनको पार्टी अमरपाटन क्षेत्र से टिकट देती है तो वो विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे और पार्टी को एक सीट दिलाएंगे। चलते हैं स्टूडियो में विजय के पास और देखते हैं वहां किस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। अभी आपने सुना हरीश कांत जी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को जिस तरह से बता रहे हैं, निश्चित तौर पर वहां पर एक ताकतवर नेता के रूप में वो सामने आएंगे और उनकी रणनीतियां जिस तरह से है पार्टी के लिए काफी कारगर साबित होगी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम बात करते हैं गुड़ विधानसभा की, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और वहां पर पूर्व विधायक, माफ करिएगा, वर्तमान में जो विधायक है सुंदरलाल तिवारी, उनका दबदबा पुनः बरकरार है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी किस प्रत्याशी पर अपना दांव लगा सकती है? देखिए, वर्तमान में यहाँ पर गुड़ विधानसभा क्षेत्र में सुंदरलाल तिवारी जी विधायक हैं और सुंदरलाल तिवारी के खिलाफ बसपा को एक कद्दावर नेता के रूप में खड़ा करने के लिए लगातार दरकार है। अब यहाँ सबसे बड़ी स्थिति ये बन रही कि पूर्व कैंडिडेट थे मुनराज पटेल और पिछले चुनाव में मुनराज पटेल को खासे मत मिले थे,
इसलिए उनको उनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमने पहले भी बताया देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से सीमा जयवीर सिंह को बसपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया, तो विद्यावती को इधर शिफ्ट करना मजबूरी हो रही है बसपा की, क्योंकि अगर विद्यावती को बसपा कहीं से नहीं देती है तो बगावत शुरू हो जाएगी। और मुनराज जी हैं ही, मुनराज जी खुद भी चुनाव के दावेदार हैं और लगातार दिल्ली में और पार्टी हाईकमान से उनकी बातचीत चल रही है। इन स्थितियों में अब देखते हैं किसको टिकट मिलती है, लेकिन इस बार का चुनाव रहेगा जोरदार वह विधानसभा क्षेत्र में। और अभी भाजपा ने भी पत्ते नहीं खोले हैं किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, तो वह विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जो है काफी रोचक दिखाई दे। बिल्कुल अनिल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विद्यावती पटेल चूंकि गुड़ से विधायक रह चुकी है, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा संभावना हम लोग को दिख रही है। यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में काफी इस बात की चर्चा है कि विद्यावती पटेल को गुड़ में शिफ्ट किया जा सकता है बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है जिस तरह से पटेल मतदाताओं का वहां पर प्रभाव गुड़ में, वो असर डाल पाएगा? जी आप सही बोल रहे हैं विजय जी, विधानसभा क्षेत्र गुड़ में पटेल मतदाताओं के साथ चौरसिया मतदाता ये हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे, और अगर इस बार वहां पर स्थितियां बदली तो फिर चुनाव अत्यंत रोचक हो जाएगा और अब टिकट सबका बंटवारा हो जाए तभी कुछ कहा जा सकता है यहाँ पर। अभी आपने देखा रीवा जिले में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है और वो तीसरे मोर्चे के रूप में जो उभर कर सामने आई थी, आगामी विधानसभा चुनाव में उसका कैसा होगा असर। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, इस एपिसोड में बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देखते रहिए रीवा दर्शन।